पानी साफ हो जाए। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री, आप कल लिख के देते, हम आपको बुलाते। मेरे पास नहीं आया था मेंशन, आपने अभी कहा है, आपको अगले बिल में बोलने का मौका देंगे। चालू नहीं है ये चालू है सर, ये तो ऑल्टरनेट है सर, स्टैंड बाय। माननीय गृह मंत्री जी, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो पार्लियामेंट है भी। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 इस पर इस सदन में जो बहस हुई है इसका जवाब देने के लिए मैं खड़ा हूं। मुझे एक बात का आनंद भी है और हमारी संसदीय प्रणाली का के लिए अच्छा भी है कि किसी ने इस बिल के तत्व का विरोध नहीं किया है, इस बिल के हार्द का विरोध नहीं किया। मानने वाला लगभग 6 घंटा चर्चा चली और कांग्रेस के श्री अमर सिंह से लेकर अधीर रंजन जी तक 29 वक्ताओं ने अपने अपने तरीके से विचार व्यक्त किए, मगर बिल के उद्देश्यों के साथ बायन राज सभी ने सहमति व्यक्त की। ये मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो बिल लेकर आया हूं, जो विधेयक लेकर इस महान सदन की सहमति प्राप्त करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, वो बिल 70 सालों से जिनों को अन्याय हुआ है, जो अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी की गई है, वो सभी लोगों को न्याय दिलाने का बिल है, उनको अधिकार दिलाने का। माननीय अध्यक्ष जी, ये बिल किसी भी समाज में जो डिप्राइव लोग होते हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए, ये भारतीय संविधान की मूल भावना है, परंतु उसके साथ साथ इसका सम्मान न कम हो इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। अधिकार देना और अधिकार सम्मान के साथ देना, दोनों में बड़ा फर्क है, इसलिए कमजोर और वंचित वर्ग के जगह अन्य पिछड़ा वर्ग, ये नामकरण बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों चीजों को ढेर सारे प्रतिपक्ष के सदस्यों ने अलग अलग तरीके से थोड़ा कम आंकने की प्रयास भी किया। किसी ने कहा कि पहले से हो रहा था, किसी ने कहा कि सिर्फ नाम बदल रहा है। मैं इन सभी को कहना चाहता हूं कि अगर हमें पिछड़ा वर्ग के लोगों के प्रति जरा भी संवेदना है तो नाम के साथ उनका सम्मान जुड़ा है वो जरूर देखना। नाम के साथ सम्मान जुड़ा है वो वही लोग देख पाते हैं जो उनका उत्कर्ष अपने भाई समझकर, अपने से पीछे रह गए भाई समझकर, संवेदना के साथ उंगली पकड़कर आगे बढ़ाना चाहते। वो लोग इसका नाम नहीं समझ सकते जो इसका वोट बैंक के नाते उपयोग कर अच्छे लच्छेदार भाषण देकर राजनीति में वोट प्राप्त करने का जरिया और साधन समझते हैं। नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं जो स्वयं एक गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं,
वो पिछड़ों का दर्द भी जानते हैं, वो गरीब का दर्द भी जानते हैं। और जब इनके आगे बढ़ाने की बात होती है तब कई बार तो माननीय मदद की जगह सम्मान के मायने बड़े होते हैं। मदद से ज्यादा व्यक्ति का सम्मान उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उसके आत्मविश्वास को और उसके गौरव को सम्मानित करता है, बढ़ाता है, जो उसके जीवन में आगे बढ़ने का कारण होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ढेर सारे सदस्यों के भाषण मैंने सुने भी है, पढ़े भी है मेरी चैम्बर में। ये भाव सिर्फ नाम बदलने से क्या होता है वो समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। मान्यवर, आज जो बिल लेकर आया हूं ये बिल के बारे में मैं थोड़ी पृष्ठभूमि भी बताना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में हम सब जानते हैं जब महाराजा हरि सिंह जी ने भारतीय संघ के साथ इनके विलय का निर्णय किया, उस वक्त से लेकर अब तक कई सारे उतार चढ़ाव हुए। 80 के दशक के बाद आतंकवाद का एक दौर भी आया और वो बड़ा भयावह दृश्य था। पीढ़ियों से, सदियों से जो लोग अपनी भूमि पर रहते थे, अपना देश समझ कर रहते थे, अपनी जन्मभूमि समझ कर रहते थे, वो मूल समेत उखड़ गए माने। और किसी ने इनकी केयर नहीं करी, इनकी चिंता भी नहीं करी, ना इसको रोकने का प्रयास किया। और कई बार तो मान्यवर रोकने की जिनकी जिम्मेदारी थी वो इंग्लैंड में वैकेशन कर रहे हैं, मैं नाम देना नहीं चाहता। और फिर कहते हमने कुर्बानी दी। आपकी कुर्बानी आंख माथों पर अगर दी है तो, मगर सटीक काम और सटीक उपाय और शक्ति के साथ वोट बैंक की राजनीति के बगैर उस वक्त उसको आतंकवाद को उगता हुआ खत्म करते तो आज उनको अपना प्रदेश छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ना मुझे बिल लेकर आज सदन के सामने आना पड़ता। मान्यवर, जब ये विस्थापित हुए तब देश के अन्य हिस्सों में, अपने ही देश में शरणार्थी बनकर उनको जाना पड़ा। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, न जाने कहां कहां गए। लगभग वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार 46,631 परिवार और 157,967 लोग अपने ही देश में विस्थापित हो गए। और इस तरह से विस्थापित हुए कि उनकी जड़ें ही अपने खुद के देश से, अपने खुद के प्रदेश से, अपने खुद के वतन से उखड़ कर रह गई। ये बिल उनको अधिकार देने का है, ये बिल उनको प्रतिनिधित्व देने का है। मान्यवर, कश्मीर के लिए एक प्रकार से 3 युद्ध हुए। 47 में पाकिस्तान ने कबालियों के नाम से आक्रमण किया, इसमें लगभग 31,779 परिवार पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर में विस्थापित हुए। इनमें से 26,319 परिवार जम्मू कश्मीर में और 5,460 परिवार देश भर में फैल गए। वो पाकिस्तान के हमले के शिकार थे। इसके अतिरिक्त 1965 और 1971 में भी युद्ध हुए, उसमें और 10,065 परिवार विस्थापित हुए और कुल मिलाकर 48, 65 और 71, ये तीनों युद्धों में मान्यवर 41,844 परिवार विस्थापित हुए। ये विस्थापितों की स्थिति के बारे में मैं बाद में बात करता हूं, परंतु ये बिल है वो उनको अधिकार देने का बिल है, ये बिल उनको प्रतिनिधित्व देने का है। आज वो लोग ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो चुनाव लड़कर वहां की असेंबली में बैठ पाए। जो कहते हैं क्या हुआ धारा 300, कहा हुआ 5 और 6 अगस्त 2019 में ये हुआ कि इनकी सालों से न सुनने वाली आवाज नरेंद्र मोदी जी ने सुनी और आज उनको अधिकार मिला। मान्यवर, जिस 5 और 6 अगस्त का बिल 2019 का कुछ लोगों को
जूते में पड़े कंकर की तरह खटकता है, उनको मैं बताना चाहता हूं, इसी बिल का हिस्सा था न्यायिक डिलिमिटेशन। ये एक शब्द नहीं है, दो शब्द जोड़कर बनाया है, क्योंकि पहले जो डिलिमिटेशन हुआ था वो इस तरह से था, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी यहां बनी है और दूसरा ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा 15 किलोमीटर दूर है। क्यों? क्योंकि मुझे चुनाव जीतना है। इस तरह से डिलिमिटेशन हुआ। ये डिलिमिटेशन के सामने मैंने जानबूझकर एज अ लेजिस्लेटर न्यायिक डिलिमिटेशन लिखा था, वो आज मैं सदन को बताऊंगा। डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन और डिमार्केटेड असेंबलीज, ये लोकतंत्र का मूल, जनप्रतिनिधि को चुनने की इकाई तय करने की प्रक्रिया है। असेंबली जो बनती है वहीं से मतदाता अपना प्रतिनिधि विधानसभा में भेजते हैं। अगर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया ही पवित्र नहीं है तो लोकतंत्र कभी पवित्र नहीं रह सकता मान्यवर। इसलिए इस बिल के अंदर हमने व्यवस्था करी थी कि डिलिमिटेशन, न्यायिक डिलिमिटेशन फिर से किया जाएगा और सभी की सुनवाई हुई। डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर में सब जगह पे गया, अंतिम जिले से लेकर पहले जिले तक सब जगह घूमे। कई समुदायों के प्रतिनिधियों ने इनको आवेदन पत्र दिए थे, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से आए हुए लोगों ने भी दिए थे और कश्मीर घाटी से भागकर जम्मू में शरण लेने वाले लोगों ने, और कश्मीर घाटी से भागकर देश भर में फैले हुए कश्मीरियों ने भी आवेदन दिए थे कि हमारा प्रतिनिधित्व का कोई डिलिमिटेशन कमीशन संज्ञान ले। और मुझे आनंद है मान्यवर कि डिलिमिटेशन कमीशन ने इसका संज्ञान लिया। भारत के इलेक्शन कमिश्नर ने विधानसभा में 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए नामांकन की जा सके और 1 सीट अनधिकृत ऑक्यूपेशन, जो हमारे कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान कर बैठा है, वहां से विस्थापित लोगों में से 1 व्यक्ति को नॉमिनेट करना पड़े, ये इसका हाल। अब इसमें क्या है, पहले भी मिलता था ना? पहले नहीं मिलता था, पहले सिर्फ जरूरत लगे तो प्रतिनिधित्व न हो तो महिलाओं को 2 सीट दी जाती। हमने 3 सीटें और अपॉइंट करने की डिलिमिटेशन कमीशन की जो सिफारिश है उसको बिल में परिवर्तन कर कानूनी जामा पहनाकर आज मैं इस महान सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं। मान्यवर, इसमें से 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए होगी जो घाटी से विस्थापित हुए हैं और 1 सीट पाक ऑक्यूपाई जम्मू कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों के लिए नामित की जाएगी। इसमें से 1 महिला होना जरूरी है। इस प्रकार का एक कानूनी सुधार लेकर आज मैं यहां पर हुआ है। डिलिमिटेशन कमीशन के इतिहास में पहली बार 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित की गई है और एसटी के लिए 9 सीटें और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 20 सीटों का आरक्षण की व्यवस्था करें। नई जो स्कीम बनी है उसमें जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी, ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर, 24 सीटों को। इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई है। पहले 2 नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे, अब 5 नॉमिनेटेड मेंबर मान्यवर इसमें होंगे। जम्मू कश्मीर के कानून के हिसाब से 2 महिलाओं को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है और धारा 15 के अनुसार किया जाता है, और अब इसमें कश्मीरी प्रवासियों में से 2, जिसमें से 1 महिला, और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से 1 नामांकन किया जाएगा। मान्यवर, ये इसलिए संभव हुआ है कि 5 और 6 अगस्त को ऐतिहासिक बिल नरेंद्र भाई ने
कैबिनेट में पारित किया और इस सदन ने इसको परमिशन दी, इसको मान्यता दी और धारा 370 चली गई। इसी का हिस्सा था ये डिलिमिटेशन कमीशन। मान्यवर, सुरक्षा का परिदृश्य मैं इस पर बारे में बाद में बात करूंगा। ढेर सारे सदस्यों ने इसकी चिंता भी व्यक्त की है, मैं भी चिंतित हूं, परंतु क्या हुआ है वो बताना ये मेरा फर्ज है, क्योंकि एक ओर से रिकॉर्ड पर चीजें आ गई है तो मुझे जवाब तो जरूर उसका देना पड़ेगा। और आज जो धारा 370 हटने के बाद क्या विकास हुआ, आतंकवाद तो अब भी चल रहा है, कश्मीरियत का कितना नुकसान हुआ, ये सारी चीजों के जवाब मैं बहुत डिटेल मान्यवर दूंगा। और ये दोनों जो संशोधन है वो संशोधन आने वाले दिनों में इतिहास इस सदन के इस प्रयास को और सदन के आशीर्वाद को हर कश्मीरी जो प्रताड़ित है वो याद रखेगा, हर कश्मीरी जो पिछड़ा है वो याद रखेगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 70-70 साल से दर दर की ठोकरे खाने वाले भटकते हुए अपने ही देश के भाइयों बहनों को न्याय दिलाने के लिए उनको 2 सीटें का रिजर्वेशन दिया और अपना देश छोड़कर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से यहाँ शरणार्थी बने हुए लोगों को रिजर्वेशन दिया, और जो डिप्राइव थे उनको कमजोर लोग ऐसे अपमानित करने वाले शब्द की जगह पिछड़ा वर्ग का संवैधानिक शब्द इनके लिए रखकर आज ये बिल लगभग लगभग आया। इन्होंने क्या कहा, कई सदस्यों ने पूछा कि क्या हुआ है इनके लिए, विस्थापितों के लिए क्या हुआ है, रिजर्वेशन देने से क्या होगा। रिजर्वेशन देने से उनकी आवाज कश्मीर की विधानसभा में गूंजेगी और फिर कोई ऐसी स्थिति करना जाएगा तो नहीं रोकेंगे वो, क्योंकि उनकी आवाज वहां। मान्यवर, इसके अलावे 5,675 कश्मीरी विस्थापित परिवार आज रोजगार पैकेज का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए 6,000 फ्लैट बनाने का प्रोजेक्ट था जो नहीं समाप्त हुआ, 14 से शुरू हुआ, मगर अब राष्ट्रपति शासन डालने के बाद लगभग 880 फ्लैट्स बन गए हैं और उनको हैंडओवर करने की प्रक्रिया चालू है। इनकी ऑनलाइन शिकायत लेकर इसके निवारण का पोर्टल भी मान्यवर शुरू कर दिया गया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण कानून, जो लोग कहते हैं, मैं कश्मीर के जो सांसद बैठे हैं उनको विशेष रूप से कहना चाहता हूं, क्या हुआ जो कहते हैं इनको बताना चाहता हूं। मान्यवर, जब आतंकवाद चालू हुआ, निशाना बनाकर सबको भगाना शुरू हुआ, घड़ियाली आंसू बहाने वाले तो मैंने बहुत देखे, शब्दों से अच्छे तरीके से सांत्वना देने वाले मैंने बहुत नेता देखे हैं, मगर नरेंद्र मोदी एकमात्र व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने इनके आंसू सात अर्थ में पूछने का काम किया। मान्यवर, उनकी पीड़ा का हम कल्पना नहीं कर सकते, जो करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी वहां छोड़कर जान बचाने के लिए कहीं बेंगलुरु, कहीं अहमदाबाद, कहीं दिल्ली, कहीं जम्मू में जाकर कैंप में रहे हैं, अपने स्तर से बहुत नीचे जीवन जी रहे हैं, इनकी पीड़ा की कल्पना हम नहीं कर सकते बाकी के देश के हिस्से में रहकर। मगर जब वहां से भागे वो, करोड़ों रुपए की संपत्ति किसी ने कब्जा ली, कब्जा लेने के बाद कहा कि अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं जो देता हूं वो ले लो, औने पौने दाम में करोड़ों रुपए की संपत्ति एक प्रकार से छीन ली गई और प्रशासन चुपचाप बैठा, कोई कदम नहीं उठाए। और मान्यवर, हमने इसका रास्ता ढूंढा, नया कानून बनाया और वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उनको वापस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। ये पूछते हैं क्या हुआ था वो भी बताया और अब क्या हुआ वो भी बताया। और बहुत बोले हो, धैर्य रखना सुनने का, आज जरा धैर्य रखकर सुनना। और मेरा निवेदन है, जितने बैठे हैं, कमी बैठे हैं, चले ना जाए,
मान्यवर अधिवास प्रमाण पत्र लगभग 1.6 लाख लोगों को अधिवास प्रमाण पत्र देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रति व्यक्ति 3250 रुपया और अधिकतम सीमा परिवार में 13,000 रुपया कैश डॉल दिया जाता है इन लोगों को। प्रति व्यक्ति 9 किलो चावल, 2 किलो आटा और 1 किलो मासिक चीनी देने का काम हमारी सरकार करती है माननीय। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से जो लोग आए थे उनको एक मुश्त 5.5 लाख रुपया एक साथ देने का काम ये नरेंद्र मोदी। जो लोग कहते थे कि क्या हुआ, आप तो मूल से ही कटे हो साहब, मूल के साथ संपर्क ही नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा बदलाव क्या हुआ। इंग्लैंड में वैकेशन कर जम्मू कश्मीर के बदलाव का अनुभव नहीं कर सकते हो। माननीय हमने दादा बैठो आपको नहीं कह रहा हूं, दादा बैठ जाइए, आप कहां कश्मीरी हो। मान्यवर एक बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया, बहुत सहभागिता का अप्रोच बैकवर्ड क्लास कमीशन ने लिया, हितधारकों के साथ कई दौर का बैठक के किया, 198 प्रतिनिधिमंडल और 16,000 लोगों को की सुनवाई हुई, 750 दिन ये प्रक्रिया चली, सभी 20 डिस्ट्रिक्ट में जाकर ये सुनवाई की गई और लगभग 26,000 से ज्यादा पोस्ट में मिली हुई लिखित अर्जियों को भी संज्ञान में ले लिया गया और जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम इसके अंदर सुधार करने का अभी जो आया है उसमें से एक मूल तत्व, बाकी के दो बिल तो एसटी डिपार्टमेंट, शेड्यूल ट्राइब डिपार्टमेंट और पिछड़ा वर्ग डिपार्टमेंट लेकर आएंगे, मगर अभी एक तत्वतः फेरफार किया है, बदलाव किया है, जो मसूदी साहब कहते थे कि पहले भी था, हाँ था पहले था, परंतु कमजोर वर्गों के लिए था, इसकी जगह संवैधानिक नाम अन्य पिछड़ा वर्ग देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी। यहां कांग्रेस के ढेर सारे मित्र बैकवर्ड क्लास करते हैं, कुछ नेता होते हैं जिनको हाथ में कुछ लिख कर पकड़ा लो तो 6 महीने नया कागज ना आए तब वो ही बोलते रहे बैकवर्ड क्लासिक। भाई पहले आपका इतिहास तो देखो। मान्यवर मैं ऐतिहासिक सत्य के साथ इस सदन के अंदर स्टेटमेंट करने में झिझक नहीं रहा हूं कि बैकवर्ड क्लास का सबसे बड़ा विरोध और बैकवर्ड क्लास को रोकने का काम कोई एक पार्टी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। मान्यवर आज मैं पूछना चाहता हूं सदन की पवित्र सदन के अंदर खड़े रहकर, पिछड़ा वर्ग आयोग को 70 साल से संवैधानिक मान्यता नहीं दी जाती थी, क्यों नहीं दी जाती थी, क्यों उनको यह सम्मान नहीं मिलता था जबकि संविधान का मैंडेट था, मगर नहीं दिया गया। नरेंद्र मोदी जी ने इसको संवैधानिक मान्यता देने का। मैं आज पूछना चाहता हूं इस सदन के अंदर जो आम सभाओं में बैकवर्ड क्लास कर घूमते हैं, मैं फिर से कहता हूं उनको मालूम नहीं है इनकी पार्टी ने क्या किया है, किसने काका साहेब कालेकर कमीशन का रिपोर्ट रोक कर रखा, वो जवाब होना चाहिए, देश की जनता को मालूम पड़ना चाहिए। मंडल कमीशन के रिपोर्ट तक जब तक वो सत्ता के बाहर नहीं गए तब तक लागू नहीं हुआ, और बाद में लागू हुआ भी तो विपक्ष के नेता ये नाते स्वर्गीय राजीव गांधी ने इसका विरोध किया, मान्यवर विरोध, और आज वो बैकवर्ड क्लास की बात कर रहे हैं। मान्यवर वो लोग बैकवर्ड क्लास की बात कर रहे हैं, कभी भी सेंट्रल एडमिशन स्कीम के अंदर बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देने का काम कांग्रेस पार्टी ने कभी भी नहीं किया, केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया। सैनिक स्कूलों में भी दिया जाता है,
नीट के अंदर भी दिया जाता है और सेंट्रल स्कूल्स के अंदर भी पिछड़ा वर्ग के बच्चों को सम्मान के साथ पढ़ने की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। माननीय माननीय अब आप इनको बिठा दीजिए। माननीय मान्यवर अब तक डिप्राइव लोगों की बात करते, अब तक ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी का रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने की बात कभी नहीं सोची गई। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने अनारक्षित जातियों के गरीब बच्चों को 10% रिजर्वेशन देने का काम किया। और मान्यवर आज ये नामकरण में भिन्नता से क्या होता है इनको मालूम नहीं है, इनको मालूम नहीं है। मानो मेरी माँ का नाम कुसुम है, मैं उसको कुसुम बोलता हूं और माँ कहता हूं, दोनों को बीच में कितना अंतर है वो माँ को ही मालूम पड़ता है और किसी को मालूम नहीं। नाम तो वही है, व्यक्ति वही है, मगर किस भाव से बुलाया जाता है। जब बच्चा माँ कहकर बुलाता है तो जो प्यार और स्नेह और वात्सल्य आता है वो माँ से ही आता है, नाम से नहीं आता है। मान्यवर ये नहीं समझ पाएंगे, ये भाषा का सुधार नहीं है, ये कंसेप्ट का सुझाव है, नजरिए का सुझाव है और देखने के दृष्टिकोण का सुझाव है जो नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। अरे यार अधीरंजन, मैं एक बात कहता था कि एक नेता लिखा हुआ पढ़ते ही रह गए, पढ़ते तुम भी वो स्क्रिप्ट पढ़ने लगे यार, ऐसा मत करो यार। अधीरंजन जी ऐसा मत करिए, आप माननीय विपक्ष के नेता है, मैं जरा भी पढ़। अरे आपके बारे में नहीं बोल रहे, माननीय अधीरंजन जी आपके बारे में नहीं बोल रहे, प्लीज प्लीज। मान्यवर मैं इनको बताना चाहता हूं, आजकल करते करते मेरे 32 साल किसी न किसी सदन में हो गए, मैंने आज तक कभी पढ़ा हुआ लिखा हुआ भाषण पढ़ा नहीं। मैं मन की गहराइयों से बोलता हूं, मेरे हाथ में जो कागज होता है आंकड़ों और तथ्यों को रिफेर करने के लिए होता है, क्योंकि मैं जिम्मेदारी के साथ यहां पर हूं। मान्यवर प्लीज 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 मान्य सदस्य प्लीज प्लीज। मान्यवर ये विधेयक नरेंद्र मोदी सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में लाए हुए सैकड़ों सकारात्मक और परिवर्तनकारी प्रगतिशील परिवर्तनों की कड़ी में एक और मोती जोड़ने का काम ये विधेयक करेगा, और इसलिए मैं आज इस सदन के आशीर्वाद मांगने आया हूं। माननीय कुछ सदस्यों ने बात के अंदर दादा धैर्य से सुनना पड़ेगा, अंत में बताऊंगा, तब तक आप टोके बगैर बैठे। माननीय कुछ कानूनी और संवैधानिक मुद्दे खड़े कर पहले एक मॉरल बात लाए कि भाई जिस कानून के अंदर आप अमेंडमेंट लेकर आए हो वो कानून ही कोर्ट के सामने चैलेंज में है। मसूदी साहब तो हाई कोर्ट के जज रहे, विद्वान न्यायाधीश रहे हैं, अधिवक्ता अच्छे ही होंगे तभी तो जज बने होंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं धारा 370 भी काफी साल तक चैलेंज में रही, क्यों नहीं रोका उसको? जब चैलेंज में थी तो धारा 370 को क्यों नहीं रोका गया? और आज आपको कानून की मर्यादाएं याद आ रही हैं, फिर भी मैं स्पष्टता करना चाहता हूं, आपकी ही पिटीशन है, आप पिटीशनर हो, इस पर स्टे मांगा गया था, स्टे पर बहस हुई, न्यायाधीशों ने सुनवाई करके स्टे देने से इनकार किया, स्टे देने से इनकार किया। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहां बोल रहा हूं, कोई स्टे नहीं है।
कहा कि हम समाज करेंगे, एडमिट किया, जो एडमिट खुद ही होता है कि नहीं आप नहीं नहीं एडमिट होने से कुछ नहीं होता, स्टे करना पड़ता है, ऑर्डर में स्टे करना पड़ता है मान्यवर। जब तक आप तो जज रहे हैं सर, ऊपर वाले से तो डरिए, फारूक साहब से इतना मत डरिए मान्यवर। मान्यवर पिटीशन एडमिट होने से को डराता नहीं, फिर भी डरते हैं बोलिए। मेरा काम डराना नहीं, आप लोगों का काम है डराना, हम डराते हैं मान्यवर। और मान्यवर कहा है उसका जवाब मैं आपके बाद दूंगा, नहीं दे सकते आप नियमों के अनुसार नहीं मान्यवर। मान्यवर जब कोई भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे नहीं देता है तो तब तक यथास्थिति बनती है, और यथास्थिति यह है कि राष्ट्रपति महोदय ने इसको कानून को बनाने का काम पूर्ण कर दिया है, ये यथास्थिति है। इसके लिए मैं इसके अंदर अमेंडमेंट लेकर किसी भी समय पर आ सकता हूं। और ये जो है मान्यवर, मान्यवर उसके बाद कहा गया मनीष तिवारी जी के द्वारा कि अनुच्छेद तीन में कहीं, अनुच्छेद तीन में कहीं पर भी यूटी का प्रावधान नहीं है। अब मैं मान्यवर कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बहुत बड़ी बात मान्य सदस्य ने करी है, मैं अनुच्छेद तीन इस सदन में पढ़ना चाहता हूं। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ये अनुच्छेद का मूल चीज है। इसके अंदर आगे क, किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करने अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण देश की संसद कर पाएगी। अब इन्होंने कहा यूटी नहीं है, यूटी का इसमें प्रोविजन नहीं है, मगर शायद उन्होंने पूरा पढ़ा नहीं या जानबूझकर आगे उन्होंने सदन को बताया नहीं। इसी के नीचे आर्टिकल 3 के नीचे ही स्पष्टीकरण है, इस अनुच्छेद के खंड क से ड में जिसमें सारी चीजें आता है, राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र समाहित है, तो वहां पर राज्य मींस संघ राज्य क्षेत्र अपने आप हो जाता है। तो ये इनको मैं मनीष जी को थोड़ा स्पष्टता करना चाहता हूं कि इतना बड़ा गैर कानूनी काम कम से कम नरेंद्र मोदी सरकार नहीं कर सकती, ये कोई इंदिरा गांधी की सरकार नहीं है जो इस प्रकार के कानून लेकर आए। भाई अभी बहस नहीं हो सकती, बाद में मैं आपको सवाल, मैं बाद में आपको मौका दूंगा क्वेश्चन पूछने का, अभी बैठ जाइए, मैं बाद में आपको नहीं नहीं मगर प्रश्न देखिए मनीष जी, मैं प्रश्न ले सकता हूं, मैं महोदय को अभी कहता हूं, बाद में मनीष जी का प्रश्न। चलो ये भी नियमों के अंदर है मान्यवर। बाद में उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 3 के परंतु को निलंबित करके राष्ट्रपति शासन डाला क्योंकि ये प्री डिजाइन था। मान्यवर मेरे पास लिस्ट है, आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 1973 में डाला, हम नहीं थे, कांग्रेस की सरकार थी, परंतु निलंबित किया गया था। अरुणाचल में डाला गया परंतु निलंबित, 81 में आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार परंतु निलंबित किया था, 1990 में परंतु निलंबित किया था, बिहार 1969 कांग्रेस सरकार परंतु निलंबित किया था, 72 परंतु निलंबित किया था, 1977 परंतु निलंबित किया था, 69 बिहार, फिर गोवा 1990 परंतु निलंबित था, 1990 परंतु
मेरे पास लगभग 27 राज्यों के 70 से ज्यादा है, एक में भी वो परंतु निलंबित करे बगैर राष्ट्रपति शासन नहीं डाला गया है। एक मिनट माने, ऐसे टाइम तो मैं दूंगा ना प्लीज। मान्यवर, मैंने कहा उनको मैं जवाब सवाल पूछने दूंगा, वो क्यों इतने विचलित हो रहे हैं? के प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन की लैंग्वेज अलग है, मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूं। मैं अभी पढ़ के सुनाता हूं, मैं अभी पढ़ के सुनाता हूं। इस पर बहस ही नहीं है, लैंग्वेज क्या है? इस बहस इस पर है कि अनुच्छेद 3 के परंतु को, जिसमें असेंबली का पावर यहां पर आता है, इसको निलंबित किया गया है या नहीं किया? एक लिमिटेड क्वेश्चन पर हम है, कहां है बात ही खड़ी होती है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे संरक्षण दीजिए, ऐसे नहीं हो सकता बिल का जवाब। नो माननीय गृह मंत्री जी, आपका रिकॉर्ड भी नहीं जा रहा है। माननीय गृह मंत्री जी, मान्यवर, आप प्लीज मुझे व्यवस्था दीजिए, ऐसे बिल का जवाब नहीं दिया जा सकता, ऐसे महत्वपूर्ण बिल का। एक मिनट। नो माननीय, मैंने आपको कहा आपको सवाल पूछने का मौका दूंगा, प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, आप प्लीज। नो माननीय राम कृपाल जी, प्लीज। माननीय मनीष तिवारी जी, प्लीज। माननीय, ढेर सारे सदस्यों ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की चिंता का जिक्र किया, वो चिंतित भी थे, अच्छी बात है, चिंता हो रही है, होनी भी चाहिए, सभी को होनी चाहिए। उन्होंने सीधा सीधा इसको आर्टिकल 370 को निरस्त करने से जोड़ा। उन्होंने क्या क्या हुआ, अब भी आतंकवाद चल रहा है, उन्होंने क्या क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले सेना के कुछ जवान शहीद हो गए, ऑफिसर जवान शहीद हो गए, कुछ घटनाएं भी हुई। मान्यवर, किसी ने भी नहीं कहा था कि आर्टिकल 370 जाने के बाद कश्मीर में आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। सुनिए ना, सुनिए, अरे भाई सुनो ना, मैंने कहा था आतंकवाद का मूल आर्टिकल 370 के कारण खड़ा हुआ अलगाववाद की भावना है, आर्टिकल 370 जाने से अलगाववाद में बहुत बड़ी कमी आने वाली है और इसके कारण आतंकवादी भावनाओं में कमी आएगी, रिकॉर्ड की बात है भाई। अधिरंजन जी, अब मैं बताता हूं, 1994 से 2004 इसमें शासन पर मैं नहीं जा रहा, कालखंड बोल रहा हूं, कई शासन आए हैं, टोटल आतंकवाद की कुल घटनाएं 40,164 हुई, छोटी छोटी घटनाएं भी है, कुछ बड़ी भी है। 2004 से 14 मनमोहन सिंह सोनिया जी के शासन का समय, आतंकवाद की घटनाएं 7,217 हुई, 7,217, और नरेंद्र मोदी सरकार में 14 से 23 तक सिर्फ 2000 हुई, 70% की कमी आई। और मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना मांगता हूं कि ये जो 2,197 आई है, इसमें से ये घटना का जिक्र है, 65% घटनाएं पुलिस की गई कार्यवाही के कारण अकर हुई है। मतलब कोई जगह पे सूचना मिलती है कि आतंकवादी छिपा है, पुलिस इस पर हमला करती है, तो भी वो आतंकवादी मुठभेड़ मानी जाती है। इस प्रकार के 70% कमी आई है 2004 से 14 में और 14 से 23 में, नागरिकों के मृत्यु के अंदर 72% की कमी आई है और सिक्योरिटी फोर्सेस के मृत्यु के अंदर 59% की कमी नरेंद्र मोदी सरकार। इसलिए मैं कहता हूं, मैं ठीक ही कहता था
अलगाववाद की भावना का मूल, उसका उद्भव स्थान आर्टिकल 370 है, वो जाएगा। अलगाववाद की भावना भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खत्म होगी और आतंकवाद भी। और कल पथराव की बात करते, मैंने 2 साल लिए हैं सर, 2010 2654 पथराव की घटनाएं हुई थी 2010 में, 2023 में 0, एक भी पथराव हुआ नहीं। ऑर्गेनाइज हड़ताल जो कॉल देकर पाकिस्तान से कॉल देते थे इनके आका, और कश्मीर की वेली और जम्मू बंद हो जाते थे, 132 ऑर्गेनाइज हड़तालें हुई थी 2023 में, एक भी हड़ताल नहीं, एक भी बंद। मान्यवर, पथराव में नागरिकों की मृत्यु 2010 में 112 हुई थी, 23 में क्योंकि पथरावी नहीं हुआ है, नो इंजर्ड नो डेथ। मान्यवर, सिक्योरिटी फोर्सेस पथराव के कारण 6235 हुए थे इंजर्ड सिक्योरिटी फोर्सेस, और इस बार क्योंकि पथरावी नहीं हुआ है 0 इंजर्ड है। क्या बदला हुआ है इनको मैं कहता हूं, क्या बदला हुआ है? अरे, इसी सदन में रहकर सारी मर्यादाएं तोड़कर अगर धारा 370 खत्म हुई तो खून की नदियां बह जाएगी कहते थे, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की। इस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी। और मान्यवर, सीज फायर के वायोलेशन की घटना 2010 में 1 साल में 70, 2023 में 2, घुसपैठ 2010 में 400 निवासी, 2023 में सिर्फ 48, आतंकवादी मारे गए 112 मारे गए थे, कुल मिलाकर एवरेज निकाल दे तो 278 आतंकवादी मारे गए। मान्यवर, वापिस लौट गए, पहले 18 वापिस लौटे थे, अब 281 वापिस लौट गए पाकिस्तान। मान्यवर, और वो ऐसे ही नहीं हुआ है, जम्मू कश्मीर की लोगों की सुरक्षा और इनके जीवन की क्वालिटी सुधारने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने अथक परिश्रम किया है। मान्यवर, गृह मंत्रालय हर माह यहां पर सिक्योरिटी रिव्यू करता है और हर 3 माह में मैं वहां जाकर सिक्योरिटी रिव्यू करता हूं। मान्यवर, एक 0 टेरर प्लान बनाया गया है जिसको हमने इम्प्लीमेंटेशन में लाया है, 3 साल से वो प्लान एक्शन में है। मुझे पूरा भरोसा है मान्यवर कि 24 के बाद फिर से मोदी जी आने वाले हैं, 26 आते आते 0 टेरर प्लान 100% इम्प्लीमेंट होगा। मान्यवर, इसके साथ साथ कंप्लीट एरिया डोमिनेशन का प्लान बनाया है, वो भी 2026 तक समाप्त हो जाएगा। और पहले सिर्फ टेररिस्टों को मारते थे, हमने इसकी इकोसिस्टम को खत्म किया है। इसके साथ साथ टेरर फाइनेंस पर इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए केस किए, एनआईए ने 32 केस किए जिसमें कुछ पार्टियां बड़ा अरण्य रुदन कर रही है, हाय तोबा कर रही है, क्यों केस हो रहे हैं? क्योंकि इसलिए केस हो रहे हैं कि पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, ये परमिटेड नहीं है, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये नहीं चाहिए। एनआईए द्वारा 32 केस हुए, एसआईए द्वारा 51 केस हुए, 83 केस टेरर फंडिंग और फाइनेंस के हुए हैं, लगभग 229 अरेस्ट हुए हैं, 150 करोड़ की मूल्य की 57 प्रॉपर्टी को सीज कर नीलामी के लिए कोर्ट के सामने दस्तावेज रख दिए गए, और 134 बैंक अकाउंट सील किए जिसमें 122 करोड़ रुपया सीज हुआ है और 5.5 करोड़ रुपया कैश हुए है। और मान्यवर, कहते थे क्या फर्क पड़ा है, अब्दुल्ला साहब बैठे थे, अब्दुल्ला साहब आप जब मुख्यमंत्री पद छोड़े तब से लेकर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब तक 19 तक जम्मू कश्मीर में थिएटर नहीं चलते थे, पूरे देश को मालूम ही नहीं है, जम्मू कश्मीर में थिएटर नहीं चलते थे, धारा 370 खत्म होने के बाद 2021 में जम्मू कश्मीर में पहला थिएटर शुरू हुआ 30 साल के बाद।
क्या परिवर्तन हुआ है पूछते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये परिवर्तन हुआ है। श्रीनगर में एक मल्टीप्लेक्स बना, पुलवामा शोपिया बारामूला हंदवाड़ा चार नए थिएटर खुले, 100 से अधिक फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई। जो फारूक साहब ने अंतिम देखा होगा बाद में नहीं देखा होगा किसी ने, अब शूटिंग शुरू हो गई है और लगभग 100 मूवी थिएटरों के लिए बैंक लोन के प्रस्ताव आज बैंक में पेंडिंग। ये बता के माननीय इंडिकेटर है, थिएटर खोलने की स्थिति ही नहीं थी, क्यों बंद करने पड़े थे मुझे बताओ ना। ऐसा तो है नहीं कि जम्मू कश्मीर में कोई थिएटर पिक्चर देखना नहीं चाहता, आराम से देखे जाते थे मगर बंद करने पड़े थे। मान्यवर लगभग कहते थे कि क्या हुआ था कि 370 खत्म करना पड़ा, 45,000 लोगों की मृत्यु हुई है और मैं मानता हूं ये 45,000 लोगों की मृत्यु की जिम्मेदार ये धारा 370 थी जो नरेंद्र मोदी ने उखाड़ कर फेंक दिया। मान्यवर ढेर सारे परिवर्तन, जो पूछते हैं क्या हुआ, मैं इसका जवाब देने के लिए खड़ा हूं। मान्यवर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पहले एक अलग संविधान, अलग ध्वज और एक जमाने में अलग राजधानी, दो दो राजधानियां हुआ करती थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस उद्देश्य के लिए जान दी थी, कुछ सदस्यों ने इसको पॉलिटिकल नारा कहा, ये पॉलिटिकल नारा नहीं है, ये देश की इच्छा थी। किस देश में दो संविधान न हो, दो प्रधानमंत्री न हो और दो झंडे न हो, देश का झंडा देश का निशान एक ही होना चाहिए, एक ही निशान के तले पूरा देश है। और कुछ सदस्यों ने कहा हमसे वादा किया गया था, वादा किससे किया था? अंग्रेजों ने जो स्कीम बनाई थी आजादी के वक्त, कांग्रेस ने जिस स्कीम को अप्रूव किया उसमें पूरा अधिकार महाराजा का था। देश भर में कहीं तो पब्लिक को नहीं पूछा गया, क्यों जम्मू कश्मीर में पूछना? और मैं वादे की भी बात करता हूं, चलो मान लेते हैं हमारे संविधान निर्माताओं ने वादा किया था, मगर आप आधा अधूरा पढ़ते हो इसलिए कंफ्यूजन होता है। इसके अंदर आर्टिकल 370 के अंदर ऊपर टेम्पररी प्रोविजन लिखा गया है। टेम्पररी का मतलब क्या होता है? आजीवन अधिकार हो गया ना जी, कब का जाना चाहिए था, हिम्मत नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत करी और धारा 370 को समाप्त, कोई वादा खिलाफी नहीं। एक स्पिरिट जो संविधान का था कि आर्टिकल 370 टेम्पररी है, ये टेम्पररी का दिन ही नहीं आता था, मोदी जी ने 5 अगस्त को वो दिन ला दिया और टेम्पररी था वो चला। मान्यवर पहली बार कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी और उर्दू को राज्य की आधिकारिक भाषाएं बनाई। मान्यवर राइट टू एजुकेशन एक्ट पहली बार, उसकी चर्चा होगी तब बताऊंगा, बैठ जाइए। भूमि अधिग्रहण और मुआवजे का कानून, फॉरेस्ट राइट एक्ट, SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 ये रोक कर रखे थे, वो अब लागू हो गए। असेंबली वहां की 6 साल की बनाकर रखी थी, अब वो भी 5 साल की हो गई और बड़े बदलाव हुए। मान्यवर मैं आज कहना चाहता हूं, हम भी गए थे लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए, रोक दिया था, मोदी जी और हमारे उस वक्त के अध्यक्ष मुरली मनोहर जी गए और लाल चौक में तिरंगा फहराया था। मान्यवर तिरंगा फहराने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी, आज हर घर तिरंगा, घाटी का एक भी घर ऐसा नहीं था जहां पर तिरंगा न फहरा। मान्यवर ये बदलाव, आज लाल चौक में सारे धर्म के त्योहारों को रंग चंग के साथ मनाया जाता है और सारे धर्म के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बंधारण संविधान की स्पिरिट को अब नीचे उतारा गया है। ये जो पूछते हैं क्या हुआ, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। मान्यवर मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ, जब आर्टिकल 370 गया उसके पहले GSDP 1 लाख करोड़ था, सिर्फ 1 लाख करोड़, आज
2,27,927 करोड़ जीएसटी की, सिर्फ 5 साल में डबल। रोजगारी ढेर सारी बढ़ी, पहले 94 डिग्री कॉलेज थे मसूदी साहब, अब 147 हो गई। आईआईटी, आईआईएम और दो एम्स सबसे पहला राज्य ऐसा है जहां 2 एम्स दिए गए, वो हमारा जम्मू कश्मीर। मेडिकल कॉलेज पहले 4 थे, 70 साल में 7 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए, 15 नर्सिस कॉलेज बनाए गए। मेडिकल सीट 500 थी, अब नई 800 सीटें जोड़ने का काम आर्टिकल 370 जाने के बाद हुआ है। 367 पीजी की सीटें थी, उसमें नई 397 सीटें जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और लगभग मिड डे मील 6 लाख लोगों को मिलता था, अब 9,13,000 लोगों को मान्यवर मिड डे मील मिलता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की एवरेज 158 किलोमीटर थी, अब 8,068 किलोमीटर प्रति साल हो गई। क्या हुआ है जो पूछते हैं इनको मैं बताता हूं, मैं देता हूं जवाब। मान्यवर स्मार्ट सिटी मिशन पहले था ही नहीं, अब 173 काम हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 70 साल में 24,000 घर दिए गए थे, ये 5 साल में 1,45,000 लोगों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। 75 साल में 4-4 पीढ़ियों ने 7,82,000 लोगों को पीने का पानी पहुंचा चुके थे, अब नए 13 लाख परिवारों को पीने का पानी पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। मान्यवर शिशु मृत्यु दर 22 थी, वो कम होकर 14.30 पर लाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और लगभग 47 जन औषधि केंद्र थे, इसकी जगह 227 जन औषधि केंद्रों पर आज सस्ती दवाइयां वहां पर 5 साल में मिल गई। मान्यवर स्पोर्ट्स में युवाओं की भागीदारी 2 लाख से बढ़कर 60 लाख तक पहुंची है, क्योंकि अब खेल हो सकते हैं। मान्यवर पेंशन के लाभार्थी में 6 लाख से 10 लाख तक पहुंचे हैं। ये सारा परिवर्तन केवल और केवल नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 जाने के बाद किया है। और जो राष्ट्रपति शासन को क्रिटिसाइज करते हैं उनको मैं बताता हूं, हम दादा आप कई बार बंगाल में पहुंच जाते हो या बैठे हुए 370 के कारण आतंकवाद घटा है, आतंकवाद जाने के कारण कम होने के कारण वहां अच्छा वातावरण हुआ है, इसी के कारण ये सब डेवलपमेंट हुआ है, वरना आईएम न होता, ना एम्स होता, कुछ न होता। आप नहीं समझ पाओगे, जब हमारा सरकार बंगाल में आएगा, वातावरण सुधरेगा और विकास होगा, तब मालूम पड़ेगा कि क्या परिवर्तन। मान्यवर प्रेमचंद्रन जी ने, यहां से किसी सदस्य ने कहा एक शब्द प्रयोग पर बहुत बड़ी आपत्ति की, मैं वो शब्द प्रयोग की अनुमोदन करने के लिए आज मेरी बात कहना चाहता हूं, मैं वो शब्द प्रयोग को सपोर्ट करना चाहता हूं। वो शब्द प्रयोग था नेहरूवियन ब्लंडर। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दो बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई, इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक चर्चा में करेंगे उस दिन, बैठ जाओ।
मान्यवर। और दूसरा किसी का अपमान नहीं करे, संदर्भ बता रहे हो तो हिस्टोरिकल फैक्ट है। बैठो बैठ जाइए नहीं तो आपको कैसे मालूम हुआ इस वक्त का? मान्यवर अभी तो एक ही कहा है, दूसरा तो सुने। कंट्रोल नहीं था। बैठ जाओ बैठ जाओ। मेरा जन्म नहीं हुआ था। मान्यवर अरे तो माननीय गृह मंत्री जी ने एक मिनट प्लीज दादा, माननीय गृह मंत्री जी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया कि आजादी की लड़ाई के समय का पूरा स्टेटमेंट कोर्ट में दे दिया, फिर दे देंगे। बेटो सुनो, आप बता दो साहब इनको एक बार, दूसरी गलती दूसरा संदर्भ और कर दे आप, गलती नहीं संदर्भ, सॉरी। मान्यवर एक ही गलती बताने से इतना तिल मिला गया? नहीं मैंने हटा दिया, मैं तो सिर्फ नहीं ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ दो ही बताना चाहता हूँ। एक पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती थी। मान्यवर मैं एक कोट अनकोट पढ़ना चाहता हूँ, मैंने बहुत सावधानी से आपके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को देखा, एक पत्र का हिस्सा है, मैंने बहुत सावधानी से आपके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को देखा है, लेकिन मुझे डर है कि मेरे विचार आपके यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद, मान्यवर यूनाइटेड नेशन के अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, इनटू ब्रैकेट सीज फायर, मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से नहीं निपटा गया। हम सीज फायर और पर और विचार करके कुछ बेहतर मार्ग निकाल सकते थे। मुझे लगता है कि भूतकाल में हमसे द्वारा की गई गलती है। इसमें आपत्ति है? नहीं कर सकते, स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अब मुझे क्या कह रहे हो? नेहरू ने स्वयं कहा है, मैं रेफरेंस भी दे देता हूं, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जवाहरलाल नेहरू कलेक्शन JNSG 143 के अंदर स्वयं जवाहरलाल नेहरू का शेख अब्दुल्ला जी को लिखा हुआ पत्र के मेरी गलती थी। मैं साहब किसी को कोट नहीं करा है। मान्यवर 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 अरे यार नेहरू जी ने लिखा है, सूरज समझते नहीं हो, अनुवाद हो रहा है या नहीं हो रहा है अंदर? ये नेहरू जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। माने मैं तो नेहरू जी का कोट पढ़ रहा हूँ, क्यों गुस्सा हो रहे हैं मुझ पर? गुस्सा होना है तो नेहरू जी पर होना चाहिए, ये उनका कोट है, मुझ पर गुस्से हो रहे हैं राजा? मेरी तो समझ में ही नहीं आता है।
मान्यवर एक खांखा मुझ पर गुस्से हो रहे हैं, मैंने जो पढ़ा है वो नेहरू जी ने स्वयं शेख अब्दुल्ला जी को लिखा हुआ है, और गुस्से होना है तो जवाहरलाल नेहरू जी पर उनको होना चाहिए। क्या हो रहा है इधर इधर क्या हो रहा है? बैठे बैठे प्लीज, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए। माननीय गृह मंत्री सब तक झगड़ा नहीं पट रहे, ये राजा बोलेगा या गोगोई बोलेगा, कौन सा जी बोलेगा और निपट के फिर उनको अनुमति देना। वो मिनिस्टर दिवस विच आर बीइंग यूज्ड एज अगेंस्ट द नेहरू बाय द होम मिनिस्टर आर नॉट एट ऑल मैचिंग टू द स्टैचर ऑफ होम मिनिस्टर। माननीय गृह मंत्री ओके प्लीज पीछे के सीनियर मेंबर कह रहे आपको प्लीज बैठ जाइए। आपने बोल लिया था ना जब सचिन जी का विषय नहीं होता है जवाब, आपने बोल लिया था प्लीज। अरे आपने कोट किया है, बैठो अभी। माननीय गृह मंत्री जी आपका रिपोर्ट में जा रहा, बाकी रिपोर्ट में जा रहा। मान्यवर उस वक्त जब यूएन में मामला भेजना था तब भी निर्णय बहुत आनंद फानन में लिया गया, मामले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 35 की जगह 51 के तहत ले जाना चाहिए था, मेरा तो मत है ले जाना ही नहीं चाहिए, मगर ले जाना था तो 51 के तहत ले जाना चाहिए था, इसकी जगह 35 पर ले गए, वो भी कई लोगों ने रिकॉर्ड पर सलाह देने के बावजूद भी निर्णय कर दिया गया कि अनुच्छेद 35 के तहत ले जाएंगे। और कुछ लोगों को मेरी भाषा, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो इस देश की भाषा बोलता हूं, मतलब इस देश की भाषा तमिल भी है, हिंदी भी है, बंगाली भी है, मराठी भी है, तेलुगु भी है, कन्नड़ भी है, कन्नड़ भी है, गुजराती भी है, तो गुजराती भी कोई बोल सकता है, आप तमिल में भी बोल सकते हो, मगर मैं हिंदी में बोलता हूं, आप अनुवाद ध्यान से सुनते नहीं हो। मैंने जो कुछ पढ़ा वो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है, और नेहरू जी ने उसको थोड़ा कम कर किया है कि ये मेरी मिस्टेक थी, मिस्टेक नहीं थी, ब्लंडर था। इस देश की इतनी जमीन चली गई, इस देश की इतनी भूमि चली गई, वो ब्लंडर था, ऐतिहासिक ब्लंडर था। माननीय सदस्य, ये शब्दों की व्याख्या को समझो प्लीज, नो प्लीज। माननीय
माइक 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 हाँ आप बोलिए। और एक क्षेत्र में ब्लंडर का शब्द का प्रयोग किया गया है, वो भी जवाहरलाल नेहरू जी के क्षेत्र में, वो है हिमालयन ब्लंडर। इसके बारे में भी गृह मंत्री जी थोड़ी बात बोल सकते हैं। ब्लंडर से ऐसा है मान्यवर, मैं मान्य सदस्य को कहना चाहता हूँ, मान्य सभ्यश्री को कहना चाहता हूँ, खाली ब्लंडर से इतना नाराज है, हिमालयन बोलता तो इस्तीफा देकर जाते। मान्यवर मान्यवर, मुझे अभी एक हमारी ट्रेजरी बेंच में बैठे हुए सदस्य ने कहा, मेरे साथी मंत्री ने कहा कि अमित भाई उन्होंने सुबह बताया था आपको कि ये चले जाएंगे, आप पहले से कहते थे। मुझे कोई बताया नहीं, नहीं मेरी ऐसी बातचीत तो ऑफ द रेकॉर्ड कभी होती है, परंतु मैं जानता हूं कि पिछड़ा वर्ग की जब जब बात आती है कांग्रेस कभी सहयोग नहीं करेगी, छोड़ कर। इसलिए मुझे यहां तक विश्वास था कि पिछड़ा वर्ग को सम्मान देने की बात में कांग्रेस वोट दे ही नहीं सकती, देने की ना उनको परमिशन है, ना उनको मैंडेट है, ना उनको इच्छा है, इसलिए वो चले गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में 80,000 करोड़ की लागत से 63 परियोजना, जो अब तक 70 साल तक कश्मीर को इग्नोर किया गया, और समग्रता से कश्मीर के विकास के लिए बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट, इरिगेशन, एजुकेशन, मेडिकल सुविधाएं, ये सभी चीजों को समाहित करती हुई 63 परियोजना 80,000 करोड़ की लागत से बनाई। इसमें लगभग 9 परियोजनाएं 21,000 करोड़ की लद्दाख की थी जो अब अलग यूटी में चली गई, परंतु जम्मू कश्मीर की बात करें तो 32 परियोजनाएं 58,477 करोड़ की लगभग पूरी हो गई है, और 58,000 करोड़ में से 45,800 करोड़ रुपए का व्यय समाप्त। ये मैं बताता हूं, ये कह रहे कि क्या हुआ है इसके लिए, मैं कुछ योजनाओं का नाम भी जरूर पढ़ना चाहूंगा। 5,000 मेगावाट के लक्ष्य रखकर 4,287 करोड़ की 642 मेगावाट की किरू हाइड्रो परियोजना, क्वार हाइड्रो परियोजना 540 मेगावाट 5,000 करोड़, रतले हाइड्रो परियोजना 5,200 करोड़ 850 मेगावाट, 8,112 करोड़ की 1,000 मेगावाट की सोपाक दल दूल हाइड्रो परियोजना, सावलकोट हाइड्रो परियोजना 1,856 मेगावाट की 2,300 करोड़ की, और शाहपुर कंडी बांध सिंचाई और बिजली परियोजना 2,793 करोड़ की। सिर्फ जल विद्युत के अंदर इतना सारा पैसा ये 10 साल के अंदर इन्वेस्ट हुआ है, और पहली बार सौर ऊर्जा 1600 मेगावाट की प्राप्त करने के लिए भी प्रोजेक्ट वहां पर डाला गया है। 38 ग्रिड स्टेशनों का निर्माण हुआ, 467 किलोमीटर नई ट्रांसमिशन की लाइनें बिछाई गई, 266 उप स्टेशनों को बनाया गया, और 11,000 सर्किट किलोमीटर की HT और लोड LT लाइनों को बिछाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। सिंचाई का जहां तक सवाल है, 62 करोड़ की रावी नहर योजना पूरी कर ली गई, 45 करोड़ का टसर चलन 3 त्राल सिंचाई योजना का पूरा किया गया, झेलम और सहायक नदियों के बाढ़ प्रबंधन के लिए 399 करोड़ के तीसरे चरण का काम पूरा हो गया, 1632 करोड़ का दूसरे चरण का काम चल रहा है, और चरण एक का काम पूरा होकर 31,800 क्यूसेक से बढ़कर 41,000 क्यूसेक की परिवहन की क्षमता आज परिवहन कर रही है। शाहपुर कंडी बांध परियोजना भी पूरी हो गई है, जम्मू प्रांत की प्रमुख नहरों से 3 पीढ़ियों से गाद नहीं निकाली गई थी, 59 दिन में ही राष्ट्रपति शासन लगने के बाद गाद निकालने का काम 70 साल के बाद पूरा हुआ है, रेल नेटवर्क का विस्तार हुआ है, 3,127 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 8.45 करोड़ की लंबी विंड ट्यूब काजीकुंड बनिहाल सुरंग का निर्माण हो गया है, और लगभग 8,000 किलोमीटर नए रोड ग्रामीण सड़क योजना के बना है। जम्मू कश्मीर के 10 शिल्प को GI टैग मिला, डोडा का गुच्छी मशरूम भी GI टैग मिला,
आरएस पूरा के बासमती चावल को जैविक प्रमाण पत्र जारी किया गया और समग्र कृषि विकास के लिए 5013 करोड़ की योजना की गई। पूरे देश में सिर्फ गरीब व्यक्तियों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा सरकार उठाती है साहब, पूरे देश में सिर्फ गरीबों का उठाती है, जम्मू कश्मीर में सभी व्यक्तियों का 5 लाख तक का पूरा खर्चा आज सरकार उठा। हमने बहुत रुचिता के साथ, बहुत संवेदनशीलता के साथ जम्मू कश्मीर को संभालने का कहा है। जो लोग कह रहे थे क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद अंतिम पर्यटक 14 लाख थे, अब 2022-23 में 2 करोड़ पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर का, और जून 23 तक 1 करोड़ समाप्त हो गया है। मुझे विश्वास है कि 2 करोड़ का भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी सरकार ही समाप्त हो, इस दिसंबर में रिकॉर्ड हुआ। जम्मू कश्मीर जो एक ऐसा गंतव्य स्थान बना है जिसका वातावरण प्राकृतिक हो, मानांक वैश्विक हो, दृष्टिकोण आधुनिक हो, आतिथ्य पारंपरिक हो और अनुभव में मनोरंजन और रोमांच दोनों हो, इस प्रकार का एक पर्यटक स्थल आज बना है। होम स्टे की नीति बनी है, फिल्म की नीति बनी है, हाउस बोट के लिए भी एक पॉलिसी बनाने का काम कर रहा है। जम्मू रोपवे परियोजना 75 करोड़ खर्च कर पूरा कर ली गई है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी पूरी कर ली गई है। और मैंने फिर से, आप फारूक साहब आए इसलिए फिर से कहना चाहता हूं कि पूरे देश भर में गरीबों को ही 5 लाख रुपया का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार उठाती है, जम्मू कश्मीर में सभी लोगों का 5 लाख। धन्यवाद, धन्यवाद साहब, धन्यवाद। अरे राजा, एक टेली कम्युनिकेशन का नहीं है यार, कश्मीर का है, काहे को खड़े हो जाते हो। दे आर रिफ्यूजिंग टू टेक इट बिकॉज दे से हमें पैसा वापस, इसकी तरफ देख के मेहरबानी कर। मान्यवर बैठिए दादा, आपके जाने के बाद एक माननीय सदस्य खड़े हुए, उन्होंने कहा इसके लिए ब्लंडर ने हिमालयन ब्लंडर भी शब्द प्रयोग खड़ा किया गया। मान्यवर अंत में मैं जो बिल लेकर आया हूं, वो सालों से जो वंचित थे, अधिकारों से वंचित थे, अपना देश, अपना प्रदेश, अपना घर, अपनी भूमि, अपनी जायदाद छोड़कर अपने ही देश में निराश्रित हो गए, ऐसे लोगों को अधिकार देने का, लेने का बिल है। जिनका देश ही छूट गया ऐसे लोगों को अधिकार लेने का बिल है, और जो वर्षों से सम्मान से वंचित थे ऐसे पिछड़ा वर्ग के लोगों को संवैधानिक शब्द अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्मानित करने का ये बिल है। मैं अतः सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी पार्टी का आप जरूर विरोध करिए, प्रधानमंत्री जी की नीतियों का भी करिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी करिए, मगर बिल का उद्देश्य बहुत पवित्र है। कम से कम पिछड़ा वर्ग के लोग और हमारे विस्थापित हैं उनकी ओर देखते हुए आप समर्थन करिए और उसको सर्वानुमत से पारित करिए।